राम राम से। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है और आप देख रहे हैं बैजनाथ वाला ब्लॉग। तो गाइस आज है 24 अगस्त और परसों है जन्माष्टमी। तो परसों तो हॉलीडे रहेगा स्कूल में, यानी कि मंडे को तो हॉलीडे रहेगा, परसों वाला सेलिब्रेशन जो है वो आज होने वाला है स्कूल में। तो अभी मुझे भी पता नहीं है क्या क्या होने वाला है, बट ये है कि मटकी वाला रखा है और एक दो डांस प्रोग्राम्स होंगी और देखते हैं बाकी स्कूल में जाके लगेगा पता क्या क्या होने वाला है। तो जल्दी से अभी स्कूल के लिए निकलते हैं और फिर देखते हैं स्कूल में क्या क्या होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहने। A few moments later. अभी ना हमारे स्कूल में जो प्रेयर होने वाली है और मुझे टेंशन थी कि भाई कैसे कैसे क्या होगा, अभी मटकी फोड़ भी होने वाला है, डांस भी होने वाला है। वैसे हमारे जो कृष्णा जी हैं वो रेडी हैं, एक बार दिखा देता हूँ। आपका नाम? रीति। और आप क्या बने हो आज? राधा। और आपका नाम? वाशु। और आप क्या बने हो? कृष्णा। कृष्णा राधा, इन दोनों का डांस है और इन दोनों का आज मैंने फोटो शूट किया। आपका नाम क्या है? स्माइरा। स्माइरा, वेरी नाइस, बहुत क्यूट लग रहे हो आप। आपका नाम क्या है? प्रत्यूष। तो ये ऑलमोस्ट जो बच्चे हैं ये प्रेयर में इनको स्पेशली आगे बुलाया जाएगा और इन दोनों का, वासु और वृति का तो डांस है और इन दोनों का फोटो शूट होगा। अभी ना प्रेयर स्टार्ट होने वाली है, तो आपको कृष्णा जी का नॉर्मल सा डांस भी दिखाते हैं जो कि बच्चों ने खुद ही रेडी करा है, और सेकंड आपको मटकी फोड़ भी दिखाएंगे जो कि हमने आज सुबह प्रैक्टिस करा है। भाई कल वैसे टाइम था, मैं हमने दिया था कि प्रेयर के सॉरी हाफ टाइम के बाद करना, बट बारिश इतनी ज़्यादा थी कि हो नहीं पाया, बट अभी प्रेयर स्टार्ट होने वाली है तो अभी आपको दोनों साथ दिखाएंगे, ठीक है। हमारी जो प्रेयर है वो हो चुकी है फिनिश और अभी हम चलते हैं वाइस प्रिंसिपल मैम के पास और उनके पास जाके पूछते हैं कि भाई कैसा लगा आज का उनको हमारा एक्टिविटी का जो भी हमने प्लान करा था, एंड उनसे ये भी पूछेंगे कि आज और क्या क्या होने वाला है। तो चलते हैं मैम के पास और पूछते हैं। हमारा प्रेयर हुआ तो कैसा लगा आपको और आज क्या क्या और होने वाला है? So first of all sir, Ajay sir, I want to congratulate you because the celebration was very nice. बहुत अच्छी आपकी preparation थी, बच्चे हमारे बहुत अच्छे लग रहे थे और बहुत अच्छे थे, उन्होंने perform किया, all the things were well organized. और आज हमारी activities में सब कुछ competition हमने रखे हैं जिसमें हमारा English debate competition है जो 9th to 12th classes के लिए है और 3rd to 6th, 8th classes के बच्चे हमारे पेट्रियोटिक सॉन्ग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, सिंग करेंगे सॉन्ग वो। यस सर, कॉम्पिटिशन है और इसके लिए हमने प्लानिंग की है। हमारे अजय सर, शैलजा मैम, दे बोथ आर वेरी ब्रिलियंट एक्टिविटी टीचर्स एंड दे हैव परफॉर्म वेरी वेल और हम लोग करते हैं होप कि नेक्स्ट हमारा जो कार्यक्रम है बहुत अच्छे से। ओके, थैंक यू मैम। भाई हमारे स्टाफ रूम में ने ये चिड़िया सी घुस गई है और मैम ने इसको पानी पिलाया और अंताक्षर ने पानी पिलाया, अब बेचारे उड़ाने की कोशिश है। मैम उड़ा दो, इसको उड़ा दो। नहीं नहीं, इसकी टांगे नहीं, यहाँ तो रख पहले और रुक तो जाओ। ये इसको लगी है, जब फ्री हो जाएगी। फाइनली हमारी चिड़िया उड़ गई है, पंकज सर क्या बोलना चाहेंगे आप उसमें? मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ कि हम लोगों ने उसकी थोड़ा सेफ्टी में हम लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो वैसे हमारी जितनी भी सुबह की एक्टिविटीज़ थी वो हो चुकी हैं फिनिश, अब बारी है म्यूज़िक और क्या था दूसरा डिबेट, मैं भूल गया क्या था क्या नहीं, बट कुछ बच्चे जो है यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं चेस की क्योंकि इन्होंने खेलना है। आपने कहाँ पर खेलना है? डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट, और आपने? मैंने ब्लॉक। ब्लॉक, और आपने? सर डिस्ट्रिक्ट। किस चीज़ में? योगा में सर। अरे वाह वाह वाह, तो आप सभी को गुड लक, अच्छे से खेलना और जीत के आना। ओके, तभी इसके बाद यहाँ पे ना म्यूज़िक कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है जिसका कि साउंड वगैरह माइक वगैरह मैंने सेट कर दी अच्छे से और अभी थोड़ी देर में बच्चों की गैदरिंग हो जाएगी और फिर हम स्टार्ट करेंगे आज का म्यूज़िक और लास्ट की जो एक्टिविटी सोची हैं। अभी वैसे हमारे पास हॉल जो है थोड़ा छोटा है, पर आने वाले टाइम में हमारा एक ऑडिटोरियम बनने वाला है जो कि बहुत ही अल्टीमेट बनेगा, तो वो तो आपको बाद में दिखाएंगे। मे बी एक साल लग जाए शायद वो वक्त बनेगा, तो मैं आपको खुद ही उसका टूर करा दूंगा। Put there.
personality and self confidence make a person successful in life. But grades, if you get good marks in any subject, you can get more confidence. If you are a hard worker but you got bad grades, so it doesn't mean you are a failure. Good grades build confidence on the student, and he perform better than the previous time and improves his quality, and he can get opportunities and unlock many opportunities and reduce his burden from his. Grades only give students burden and frustration. They might have pressure by their parents that to get good grades in life, that only good grades can make them. The grades tells about how the student is performing, and it pushes him towards good. हमारी सारी की सारी एक्टिविटी जो है फिनिश हो चुकी है और बारिश हो गई है स्टार्ट. जब भी यहाँ पे ना बैद्यनाथ में 2 से 2:30 बजे का टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वैसे ही आज भी है. तो लास्ट में यही बोलूँगा, हैप्पी जन्माष्टमी. जन्माष्टमी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अपने बैद्यनाथ वाले को सब्सक्राइब करना ना भूलना. मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल.